ये देखो गाइस क्या तराश गई है, और ये देखो पूरे दरवाजे वैसे सजाए गए हैं इस साइड भी, और पूरा मार्बल का है ये मंदिर। और तो देखो गाइस गुंबद, व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैंने सेकंड व्लॉग एंड किया है, अब ये है हमारा थर्ड व्लॉग, थर्ड पार्ट थ्री हमारे इस व्लॉग का, डोंगरगढ़ व्लॉग का। तो फर्स्ट व्लॉग, सेकंड व्लॉग, थर्ड पार्ट इसका बन रहा है, तो तीन पार्ट में ये व्लॉग डिवाइड हो चुका है, तो तीनों पार्ट आप देखना मत भूलिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी बम्बलेश्वरी मैया, जो यहाँ नीचे में ही है, उसके लिए पहाड़ नहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। कहाँ गए यार मम्मी पापा? मम्मी पापा वहीं पे खड़े हैं बताओ, और हम लोग यहाँ पे आ गए इस साइड, जल्दी आओ ना यार। तो छोटी बम्बलेश्वरी मैया का दर्शन करवाने जा रहे हैं हम लोग आपको, सबसे पहले हमें जाना है हमारी कार के पास। अच्छा, हमको से कार है, चलो वहाँ पार्किंग में हमारी कार पार्क्ड है। तो हम लोग पहुँच गए कार के पास, मम्मी पापा हमेशा धीरे धीरे चलते हैं, पापा को कार निकालने देते हैं, तुम लोग बैठ जाओ। तो अभी बैठ गया हूँ मैं कार में, हम सब बैठ गए, अब चलते हैं छोटे मंदिर। कम से कम एक किलोमीटर पे है छोटी माता का, छोटी माँ बम्बलेश्वरी का मंदिर। पैदल में, पैदल में ठंडा लगता है, गाड़ी में नहीं लगेगा। हाँ, फिर भी एक किलोमीटर तो है। एक किलोमीटर जाना है हमको छोटी माँ बम्बलेश्वरी में, जाना एक किलोमीटर से भी कम है, मंदिर पहाड़ पे नहीं है क्योंकि। ये देखो ये वाला रोड स्टेशन जाता है, और ये जाता है छोटी बम्बलेश्वरी माता। यहाँ पे बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ रुक सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे लगता है गाइस मेला, जो आप कहाँ से देखे ना इस रोड में पूरा मेला भरता है। हाँ, तो नवरात्रि के टाइम पे यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है, बहुत ही बड़ा, समझ लो इतना बड़ा कि वो वहाँ से स्टार्ट होता है और छोटी बम्बलेश्वरी मैया तक के मंदिर तक के जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, तो वहाँ पे भी लगता है मेला। झूले, अंडर ब्रिज बनाया गया है यहाँ पे, झूले वूले लगते हैं वहाँ पे, बहुत कुछ लगता है। तो अभी तो हम लोग उसको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो नवरात्रि के टाइम पे दिखता है, तो जब अपन आएंगे नवरात्रि में तब भले आपको वहाँ का भी व्लॉग दिखा देंगे, जहाँ पे अंडर ब्रिज बनाया नया, ऊपर है रेलवे लाइन, और यहाँ तक के पूरा लगता है, और ये जो आप देख पा रहे मैदान इसमें भी पूरा भरे रहता है, पीछे पीछे तक के झूला मेला, पूरा एक से एक बड़े बड़े दुकानें लगती है यहाँ पे। ये देखो गाइस पहुँच गए हम लोग, यहाँ पे है मंदिर छोटी बम्बलेश्वरी मैया का, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी दिख रही होगी आपको। गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं छोटी बम्बलेश्वरी मैया के मंदिर में, और आप जो पहाड़ देख रहे हो पीछे, वो जो टावर देख रहे हो आप गाइस, वहीं का टावर का व्यू दिखाया था हमने पार्ट सेकंड पार्ट में, तो वहीं पे है मंदिर उस पहाड़ के पीछे बम्बलेश्वरी मैया का, और ये नीचे वाला मंदिर है जो पहाड़ के नीचे है। पहुंच चुके हैं हम लोग, अब चलो अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो कितना बड़ा मंदिर है ये, कितना सुंदर दिख रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे, अभी भी ये बनी रहा है और इसको और भी सुंदर करने की कोशिश करी जा रही है। गाइस ये देखो सैनिटाइजर मशीन, इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर चले सैनिटाइजर मशीन के अंदर, ये तो अपने में ही चले पड़े है बताओ। चलो चलो गाइस, मजा आ गया, वाह भाई ये देखो। तो पूरा फॉग बना के डाल रहा है पता है, वरना सैनिटाइजर हमेशा ऐसी स्प्रे होता है नॉर्मली। मैं तो नाक स्टीम है मम्मी, वो एकदम फुहारा बना के करेगा, जाओ ना आप ही को करो ना, जाओ मम्मी जाओ, मम्मी डर रही है, घूम लो बस एक बार घूम लो बस, हो गया बच्चे जी नहीं, आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस अब चलते हैं ऊपर, दोपहर है तो कहीं बंक तो नहीं होगा ना, चप्पल चप्पल नीचे उतार। अरे हाँ यार गाइस चप्पल उतार देते हैं यहाँ पे,
वहाँ पे उतारते पिल्लर के पास, कोई नहीं चुराएगा। तू कहाँ चढ़ गई थी? देखा जाएगा ना, चलो ना, चलो चलो। ये देखो टाइगर गाइस, मार्बल का बना है, जयपुर की कलाकारी। वाह कितना सुंदर दिख रहा है। चलो फिर चलते हैं ऊपर। ये देखो कितना मस्त है ये मैं पहले बचपन में था ना, तब इधर से आता था, चढ़ते चढ़ते पूरा ऊपर चढ़ जाता था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को व्लॉगिंग करनी है। अब हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था मैं भाई। गाइस कुछ ऐसा एंट्रेंस है यहाँ पे बम्बलेश्वरी मैया का। गाइस लोग पहुँच गए हम लोग अंदर, कैसा लग रहा है आपको? हमको कैसा लग रहा है? हमको तो बढ़िया लग रहा है एकदम। चलो अब चलते हैं अंदर। ये देखो गाइस क्या तराशी की गई है, ये गोल्ड तो नहीं है ना, गोल्ड जैसे लग रहा है पर ये शायद पीतल है। और ये देखो पूरे दरवाजे को ऐसे सजाया गया है इस साइड भी, और पूरा मार्बल का है ये मंदिर। यहाँ पे देखिए, हाँ अभी अभी ये बनी रहा है, अभी हम काम चल ही रहा है। देखो ऊपर, देखो ऊपर, तो देखो गाइस गुम्बद, बाप रे ये ऊपर चढ़ चढ़ के बनाते होंगे, कितना बढ़िया दिख रहा है। वाह यार रात रात में काम चलता है, रात रात में काम चलता है गाइस, दिन में इसको बंद नहीं कर सकते ना, इसलिए। क्या मस्त व्यू आ रहा है मंदिर का यहाँ से। गाइस एक बार आप देख लो पूरा मंदिर अच्छे से। प्रसाद ले लिया गाइस, यह बम्बलेश्वरी मैया। ये देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये जो आप देख रहे हो ना ये ऑटोमेटिक बाजा है, ये बजेगा एकदम धुन में, इसको ऐसा बनाया जाता है, ये मोटर है पूरा रोटेट करता है और ये पूरा बाजा बनता है, बाजा बजता है। ये तो खुद से बजाने का, देखो घंटी है, इसको पैक कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के नाम से, वरना ये बहुत बड़ी घंटी है, इसको बजाने पे बहुत तेज साउंड आता है। तो बस इतना ही नहीं है, उस साइड तो बन रहा है लेकिन इस साइड बना हुआ है, उधर तैयारी हो रही है लेकिन उधर बना नहीं है अभी मंदिर, लेकिन इधर बना हुआ है। तो चलो इधर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर है। इधर देख रहे हो आप, वहाँ पे मार्बल्स रखे गए हैं और ये अभी बन रहे हैं, ये मार्बल्स अभी और लग जाएंगे तो ये और भी सुंदर दिखने वाला है मंदिर। यहाँ पे है कालिका देवी जी की मंदिर, कालिका देवी भटुक भैरव मंदिर, जय ये मंदिर। हाँ यहाँ पे भी मुंडन होता है, जो ऊपर नहीं करवाते वो यहाँ पे करवा सकते। अब चलते नीचे, यहाँ पे है, हाँ पता है, पता है मेरे को पता है। नहीं, ये जो आप नंबर देख रहे हो ना ये है कलश का नंबर, जब ज्योति कलश ठंडी होती है ना तो यहाँ पे कलश पहले ला के रखते हैं, फिर पूजा होती है, फिर ज्योति कलश ठंडा होता है, तो ये कलश का है नंबर। चलो अब चलते नीचे। सोशल डिस्टेंसिंग का नंबर ये रहे श्री हनुमान जी। जय श्री राम, जय बजरंग, जय श्री राम। चलो भाई दूसरे मंदिर दिखाते हैं। उधर पूजा हुई नहीं इनकी, इन्हें पहले दिखा दी दूसरे मंदिर। इधर इधर ये देखो गाइस श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता मैया। जय श्री राम, श्री रामचंद्र लक्ष्मण भैया और सीता मैया। जय श्री राम। और यहाँ पे है दुर्गा माता,
जय दुर्गे। और यहाँ पे है भोलेनाथ जी, बम बम बोले चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोले। और इधर पे है हमारे छोटे 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 गणपति बप्पा और उनके यहाँ पापा, तो गणपति बप्पा मोरिया। चलो अब चलते हैं बाहर। गाइस अगर आप आओगे तो यहाँ घुस मत जाना क्योंकि यहाँ किसी का घर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब चलते बाहर। मस्त है यहाँ का व्यू। ये भी एक मंदिर बना है यहाँ पे, अभी ये नया बना है, ये बन रहा था। यहाँ पे तीन टाइप का मंदिर बन रहा है, एक इधर और एक उधर, ऐसी यहाँ पे भी बना है। पर यहाँ पे अभी मूर्ति नहीं है क्योंकि ये बंद है अभी, पर इसके द्वार ऐसे सजाए गए हैं। अब चलो चलते नीचे। उस तरफ भी ऐसी मंदिर है ताकि अच्छा दिखे, थोड़ा मैच भी हो जाए। हाँ गाइस वहाँ पे भी पहाड़ है। अरे आपको पता है जो हम लोग गए थे ना, क्या नाम है उसका, करेला बहानी, उस पहाड़ के उस पहाड़ जो हमको दिख रहा है। अच्छा ये बताता हूँ आपको कि जब हम लोगों ने नई कार ली थी ना होंडा, तब हमारी कार की पूजा हम लोग यहीं कराई थी। चलो गाइस तो अब अपन यहाँ से निकलते हैं। फिर से एक बार और बोल दो बेबी, जय माता बम्लेश्वरी मैया की जय। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग। हमारी एक हीरोइन और दूसरी माता रानी दोनों जा रही हैं पहले ही। चलो गाइस सैनिटाइजर मशीन के अंदर से चलते हैं। आपको धुआं धुआं दिख रहा है ना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, देख रहे हो। बहुत सारे भगवानों की पुस्तक है यहाँ पे, आरती पूजा अर्चना सब तरह की। हनुमान चालीसा भी है, दुर्गा माता। चलो गाइस जब तक पुस्तक देख रहे हैं मम्मी पापा, हम लोग आते हैं जूता पहन के फिर से सैनिटाइजर मशीन के अंदर घुस जाते। चलो गजब बेइज्जती है, ये निकालेंगे नहीं आप। भैया देखना बदतमीजी है, चीटिंग किया भैया ने, बंक कर दिया हम लोग अब घुसे तो। चलो मैं शूज पहन लूं गाइस। संस्कृता पांडे व्लॉग्स गाइस, मैंने भाई से कैमरा छीन के ले आया और पता नहीं वो कहाँ है, न रहो न पकड़ के मारो। कहाँ है वो, शूज पहन रखा ना दिखा। तो गाइस वो देखो उधर खड़ा है। देखो गाइस उधर खड़ा है, भाई आपको दिख रहा होगा, देखो बेबी भी है, चिल्ला रही है। मैं जा रही हूँ तो देखो मम्मी पापा लोग क्या करते। चलो गाइस चलते हैं, अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। देखो मेरे को छोड़ के चले गए, मैं फोटो ले रहा था तो थंबनेल के लिए। रुक जा भैया, पापा बोल रहे नाश्ता कर लेते, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता वास्ता हो जाए, चाय वाय पी लिया जाए क्योंकि तो बहुत देर से हम लोग घूम रहे हैं। हाँ थोड़ी चाय पीने से थकान निकल जाती, एकदम फ्रेश। यहाँ पे है शॉप, जब भी आते हैं यहाँ पे पी लिया जाए, पी लेते हैं हम लोग। गाइस बहुत ही बढ़िया, बाहर की सीट मिल गई हमको, हवा के सामने हवा के संग संग। ये देखो आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। अरे रन्नू ये कैसे पी रही हो, गंदी बच्ची। ये रही गर्मा गर्म चाय, तो चलो इसको फिनिश करता हूँ। मम्मी जीत गई थी। अभी क्या है ना, मैं इस ढक्कन को इस बोतल के अंदर डाल दिया था और रनु इस ढक्कन को वापस निकाल दी, फिर मम्मी को याद आया मम्मी ने ये गेम जीता था। एक ठोक डाल देते हैं, अगला गेम कौन जीतेगा देखते हैं। चिपका के एकदम गुस्सा आया।
गाइस देखो बोतल ढक्कन के अंदर चला गया, ढक्कन बोतल के अंदर चला गया। अब नहीं निकाल सकती तुम विनर, और फिर से निकाल दी। ध्यान है तो मम्मी वाले गेम में विनर थी वैसे भी। चलो अब चलते, चाय तो पी लिए हम लोग। ये आ गए पापा पेमेंट करके। चलो भाई कार के पास, कार हमारी वहीं पार्किंग में खड़ी है, चलते हैं पार्किंग में। बेबी तुम ठूस लो ठूस लो, खाए पड़िए बताओ। चलो गाइस घर चलते हैं, कार के पास चलते हैं, कार के पास चलते हैं, फिर घूमते हैं। बेबी थोड़ा समय को देना देना, अरे यार बेबी देना देना यार, मैं खा सकता था पर मैंने तेरे को वापस दिया ना, चीटिंग है ना ये, ऐसे कैसे दे रही है, ये क्या है? एक कार से ज्यादा बचता है। अब हम लोग कार के अंदर बैठ चुके हैं, बहुत देर से मैं आगे बैठा था, अब मम्मी हमारी पापा के ड्राइवर सीट में बाजू में बैठी है। अब मम्मी अब बकर बकर करेगी पापा के साथ। मम्मी पीछे बैठ के भी कर लेती, पीछे बैठ के भी कर लेती। पीले पीले, तूने नहीं दिया ना रे, तूने नहीं दिया ना मेरे को। जय बम्लेश्वरी मैया। तो अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से फिलहाल। खरीदी तो किसको किसको प्यास लगी थी, सबको लगी थी ना? सबको लगी नहीं थी, बस हम लोग पी लिए खत्म करने के नाम पे। जय बम्लेश्वरी मैया गाइस। गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं स्टेशन तरफ से, तो ये आप देख रहे हो हमारे बाजू में है रेलवे लाइन और ट्रेन आ रही है उधर से, वो देखो गाइस ट्रेन आ रही है। इस रोड से हम लोग पहुंच जाएंगे स्टेशन तरफ, ये वाला रोड देख रहे हो आप, यहाँ से हम लोग पैदल आते हैं जब हम लोग नवरात्रि में आते हैं। हाँ ट्रेन से जब हम आते हैं तब यहाँ से पैदल हम लोग मंदिर में चले जाते हैं, तो मंदिर आने का तो मजा ही अलग है दोस्तों। वो तो भैया भीड़ में कच्चा था, मजा ही आ जाता है गाइस। तो अब हम लोग पहुँचना ले स्टेशन, तो ज्यादा दूर नहीं पड़ता हमको जब हम लोग ट्रेन से आते हैं। आप ट्रेन से भी आओगे तब भी आपको टैक्सी बुक करने की जरूरत नहीं है, पैदल आ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है मंदिर यहाँ से, बस 1 किलोमीटर चलना है, हो गया। वो तो रात्रि में मेला लगा रहता ना, तो समझ ही नहीं आता। हाँ आपको ना इतने भीड़ देखेगी ना रास्ते में ही कि आप उनके साथ साथ चलते रहोगे और चलते रहोगे और पहुंच जाओगे कब पता भी नहीं चलेगा। आप क्यों लेट रही हो? स्टेशन वाह गाइस स्टेशन बड़ा हो गया थोड़ा, ये है स्टेशन का गेट, पहले बच्चा था अब बड़ा हो गया। ये रहा गाइस स्टेशन, कुछ ऐसा है स्टेशन को भी अब डेवलप कर रहे। वाह यार इतना आगे आगे स्टेशन, वरना पहले इतना पीछे था, ये आगे कुछ नहीं बना था, मस्त है यार। कहाँ ले लिया गाइस, वो देखो वहाँ पे आपको गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दिख रही होगी गोल्डन कलर में, है ना दिखी? तो ठीक है गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं डोंगरगढ़ से, अभी डोंगरगढ़ में है बस निकल रहे बाहर, हम लोग सीधा हाईवे पे टच करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो फिर देखते हैं। अरे माता इसका दी तो, इसका तो वही है गाइस, जय माता दी। माता रानी सॉरी हो माता जी, जब लंबी ट्रिप में जाते हैं ना थकान बहुत। अब तू बच्ची है तो थकान तो देखो होगी ना, बहुत लंबा बस सफर कर लिया है, इतना चढ़ रही थी पहाड़ पे, बार बार चढ़ती थी फिर उतर रही थी, फिर चढ़ रही थी, सॉरी है थकान हो गई के ऊपर पैर रख, सुनो इसकी बात थकान हो गई है मुझे, थकान के भी आप तो बहुत। अरे यार ये देखो इसको ज्यादा ही महान बन रही है महारानी, हाथ भी रख दूं तो मेरे को मारता है? मैं माता रानी हूं, गाइस मैं माता रानी हूं। तो गाइस अब हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम लोग सीधा हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो चलो गाइस हाईवे हमने टच कर दिया, अब हमारा डेस्टिनेशन घर है नहीं है तो और भी सरप्राइजेस है। सरप्राइजेस आप कैसा सरप्राइज?
तो हाँ गाइस, वो वीडियो के आगे में पता चलेगा, तो अभी नहीं बताने वाले, तो उसको वीडियो को देखना मत भूलिएगा पूरा। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक भी कर दो। हैं? क्या हुआ? जानबूझ के नाटक कर रही। क्या हुआ आपको? नींद आ रही है? कुछ पागल कैसी है बेबी? पागल कैसी है बेबी तू? पागल जो बोलता है वो होता है पागल। अच्छा, मतलब आज की बात कोई किसी को पागल ना बोले, मैं तो खुद ही पागल होता है। बेबी को किसी दे दो आप यहाँ से। लिली की तो चॉप्ड गाल है। ओह, मजा आ गया गाइस को मच्छर के। बेबी जब तक कोई पागल बोले ना, हां तो उसको दीवाना बोलेगा। दीवाना बोल बेबी, चल बड़ पागल दीवाना। क्योंकि दीवाने का मतलब होता है बहुत बड़ा पागल। ये गाइस, अभी हम लोग राजनांदगांव के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब हम लोग जाने वाले यहां का फेमस पाताल भैरवी मंदिर। तो गाइस, इस व्लॉग को करने जा रहे हैं हम लोग यहीं पे एंड, क्योंकि व्लॉग ज्यादा लंबा हो रहा था। हमारा डोबरगढ़ का व्लॉग अभी 3 पार्ट बना है, चौथा पार्ट अभी बनने वाला है। थैंक्स फॉर दिस व्लॉग। चौथे पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं पाताल भैरवी जो राजनांदगांव के अंदर है, तो उस व्लॉग को देखना मत भूलिएगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर दिस व्लॉग। गुड बाय। गुड बाय बोल दो। गुड बाय गाइस। तो गाइस चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ का एंट्री गेट है और एक मंदिर नीचे और एक मंदिर ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाताल भैरवी माता विराजमान है और अभी हम चलते हैं इनकी पूजा करते हैं।